मेरा नाम क्यों, मैं क्यों कहूंगा इसको वहाँ से ढक्कन उतार, अपने नवे लगाओ, जब तुम्हारे को पैसे मिलने हैं निगम से। क्या नाम है इस व्यक्ति का, आपको पता है? इसका मेरे को नहीं पता, ये उसका सुपरवाइजर है ठेकेदार का। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है यहाँ पे, नगर निगम ने मिलके और ये ठेकेदारों ने मिलके इतना बड़ा फ्रॉड कर रखा है। पहले भी ढक्कन उतारे यहाँ पे, ये इसने मेन हॉल बनाया है यहाँ पे, पहले भी मेन हॉल बन रहा है ना, इसकी पेमेंट भी नहीं होने दे। सीएम सिटी में इतना पैसा आ रहा है तब भी ढक्कन पुराने लग रहे हैं, पता नहीं कैसे यार ये ठेकेदारों ने नाश मार रखा सारा शहर का, ना गुमराह किया जा रहा है लोगों को। हाँ आप देख सकते हैं जो ठेकेदार हैं कहीं ना कहीं उनपे लगातार आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ढक्कन किस प्रकार से यहाँ से उठा कर ले जाए जा रहे थे टेम्पो पर, अब उस व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं टेम्पो को फिलहाल पुलिस अपने साथ जरूर ले गई है और ईआरवी 410 मौके पर पहुंची थी। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे, करनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? कार्रवाई होनी चाहिए जी, जब चोर ने हेराफेरी करी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो ये कह रहे थे कि पार्षद ने कहा, पार्षद मौके पर पहुंच चुका है, कौन सा मतलब है जी? वो पार्षद जी तो कह रहे हैं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, वो जो ठेकेदार आदम पेड़ को था नहीं, जूने कहा हमारे साथ ये है भाई, कहा क्यों नहीं, और ठेकेदार ने मंगा फलाने मामले में लाना, लेकिन लगाना तो उस तरफ ले जा, उस तरफ दूसरी साइड में, अगर हम मान जाए तो साइड में जाते ना, चलो यहाँ ठीक करे, ये उस उल्टी तरफ ले जाए, तो ये वहाँ से चोरी से उठवा कर ले आए हमारे एरिया से क्यों उठवाया इन्हें? अगर थाना तक किसी से बात करो फिर उसके बाद उठा लो, अगर एम सी नहीं है वहाँ के एरिए के दो चार आदमी बटड़े करके उनसे पूछ कर लिया भाई, वहाँ इमरजेंसी है और मजबूरी है, दो दिन के बाद ही हम लगा देंगे, ये वहाँ काम चल जाएगा, फिर उसके बाद उठा लो। पहले भी ऐसे उठे हैं? हाँ पहले भी उठे हैं वहाँ से, वहाँ कभी लगा इन्हें लुका, ये तो इन नाम लगा कल का लगा आपके सामने का कर बगा रहा था गाड़ी, कहीं ना कहीं रोक नहीं रहा था, हमने आवाज मारी, मास्टर जी ने आवाज मारी, ये रुकिया नहीं, वहां से गाड़ी लेगा, हमने एक स्कूटी वाला बुलाया लड़का, उसके साथ बैठका यहाँ का भी पकड़ा, जिसमें के शहर की तरफ जान लग गया, यहाँ का पकड़ा खड़ा करा, ये बोले जी मार तो ठेकेदार ने कहा था ठेकेदार। अब देख सकते हैं फिलहाल किस प्रकार से ढक्कन शॉर्ट हो गए हैं, ऐसा यहाँ पर बताता हुआ नजर आ रहा है कि ढक्कन शॉर्ट थे तो एक जगह से हमने उठा लिए, दूसरी जगह लगा लिए, जिस प्रकार से जहां पर उठाए हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं हादसा जरूर हो सकता है, होल जो है वो खोल दिए जाते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर रोकने का प्रयास। अरे वो बजरी जो है ना वो अनलीगल पड़ी है, वो भी जो सारा नाला रुक गया, लाखों रुपए नगर निगम सफाई पे देती है और उनका नगर निगम कुछ भी काम नहीं करती वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ उनको पनाह दे रखी है, अगर भाई यहाँ बजरी गिरो और 500 रुपये 1000 रुपये का चलान काटे महीने दो महीने में, कुछ नहीं करते। आपने इनको उस टाइम रोकने की कोशिश की थी, रुके थे इन इस गाड़ी वाले को रोकने की कोशिश की, इसने धक्के से गाड़ी भगा ली वहाँ से और बोला कि एमसी साहब ने मेरे को कहा है आपके वार्ड के, हमारे वार्ड के एमसी साहब भी आ गए और एमसी साहब ने कोई बात नहीं इनको कही, ये पुराने ढक्कन सीएम सिटी में करोड़ों रुपए का जो घोटाला है वो ये घोटाला इस प्रकार से हो रहा है कि कहीं से उठाते हैं पुराने ढक्कन नई जगह पे लगा देते हैं, इनका तो रोज का काम है और सरकार से बिल बनवाते हैं और पैसे लेते हैं। एमसी साहब यहाँ पहुंचे, उन्होंने क्या कहा? एमसी साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इसको नहीं कहा, लेकिन एमसी साहब इन लोगों से दुखी हैं, दुखी किस लिए हैं कि वो एमसी साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने कहा ही नहीं इन लोगों को, और ये तो फ्रॉड चल रहा है अधिकारियों की और इनकी मिलेगी भगत से, दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं, हम सरकार से मांग करते हैं इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो और जितने नाले के ढक्कन आज तक जो उतार के लेके गया है सारे वो नाले के ढक्कन लगने चाहिए और जिन जिन लोगों ने बजरी उठाई है वो बजरी वो उनके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोती नगर के जो बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे लोग नाले के अंदर बच्चे मिलेंगे सारे, और सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई उसका सरकार या तो इसका इंतजाम कर दे, नहीं तो इनके खिलाफ तो पर्चा दर्ज होना चाहिए। सर क्या कुछ कहना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? बच्चे गिरेगे ना, पता लगने का नहीं, बच्चे तो आगे क्या बग जाएगी ना, क्या पता लगेगा बच्चे यहाँ गिरे हैं, तो बड़े गटरों के ढक्कन उठाए जा रहे हैं, बड़े गटर उठाई जी, तो रोकने की कोशिश की थी, रोकने की कोशिश करी, मैंने भागे फिर यहाँ पकड़ा गुड़चौक पे,
अब देख सकते हैं मोती नगर के निवासी हैं, जिस प्रकार से इन्होंने रोकने की कोशिश की, यहाँ पर आकर जो महाराणा प्रताप चौक है वहाँ पर इसे पकड़ लिया जाता है, उसके बाद पुलिस की टीमों को यहाँ बुलाया जाता है। फिलहाल जो सिटी थाना पुलिस है उस गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाने में ले जा चुकी है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस खबर को देखने वाला कमेंट कर राय जरूर दें। जिस प्रकार से सीएम सिटी में दिन दिहाड़े जो चल रहा है उस पर अपनी राय जरूर दें।